सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर वक्त बुरा है तो मेहनत करो और अगर अच्छा है तो किसी की मदद करो। अकेले रह लीजिए लेकिन उनके साथ मत रहिए जो आपको महत्व नहीं देते। बस संस्कार की बात है दोस्तों, वरना माचिस से दिया भी जलाया जाता है और सिगरेट भी। आज का पंचांग 6 मार्च 2023 देर सोमवार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 4:17 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघ नामक नक्षत्र रात्रि 12:05 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:09 से 9:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। आज होलोकाष्टक का 8वां दिन है। ध्यान रहे इस साल होलोकाष्टक 8 नहीं बल्कि 9 दिन तक का होगा, क्योंकि इस साल यह दिन के प्रदोष काल में विशिष्ट यानी भद्रा का कारण होगा। इसके अगले दिन के प्रदोष काल में यानी कल होलिका दहन किया जाएगा। होलिकाष्टक का अंत होलिका दहन से होता है। होलिका दहन के अगले दिन होली मनाई जाती है। मिथुन राशि 6 मार्च 2023 दिन सोमवार आपके माता पिता को किसी संकट का सामना करना पड़ सकता है, जिससे घर झगड़े हो सकते हैं। मरम्मत और नवीनीकरण की भी संभावना है, हालांकि यह महंगा होगा लेकिन काम पर आपके प्रयासों को जल्द ही इनाम मिलेगा। प्रशंसा और विश्वास भरे कुछ शब्द आपको प्रोत्साहित करेंगे। आज के दिन अपने परिवार रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ समय बिताने का है। अपने संबंधों को और भी मजबूत करें। प्रौद्योगिकी के कारण अपने प्रियजनों से संपर्क करना आसान हो गया है तो इसका प्रयोग करें। मुश्किलों से लड़ना सीखें क्योंकि या तो आपको सफलता मिलेगी या फिर शिक्षा। सुखद दिन व्यतीत होगा प्रॉपर्टी संबंधित फाइनेंस संबंधित लेन देन को लेकर भाइयों के बीच कुछ योजनाएं बनेगी जो कि सकारात्मक भी रहेगी। किसी भी पारिवारिक सदस्य के विवाह संबंधित कोई मांगलिक आयोजन भी संभव है। किसी करीबी मित्र के बारे में गहराई से विचार करके रिश्ता सुधारें। जब तक आप इस व्यक्ति के साथ ठीक से संबंध नहीं सुधारेंगे तब तक मुश्किलों को दूर कर पाना मुश्किल रहेगा। काम संबंधित फोकस बढ़ता हुआ नजर आएगा। जिस व्यक्ति के सामने प्रपोजल रखने से आप कतरा रही हैं, वह व्यक्ति आपका लव प्रपोजल स्वीकार कर सकता है। अपने डर को दूर करने की कोशिश करें। सावधानियां, घर के वातावरण को व्यवस्थित और अनुशासित बनाकर रखने में आपका विशेष योगदान जरूरी है। व्यर्थ के वाद विवादों से दूर रहें, छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज ही रखें। पैसे संबंधित उधारी का लेन देन ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से घर में कुछ तनाव हो सकता है। बेहतर होगा कि पारिवारिक सदस्य आपसी सामंजस्य द्वारा समस्याओं का समाधान निकालें। नए लोगों से मिलने के लिए तैयार रहें। हो सकता है कि आज आपको आपका हमसफर मिल जाए। कुछ रोमांटिक और अंतरंग क्षण भी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। घरेलू मामलों में आपका अधिकतर समय बीत सकता है। ऐसे में शांति से इन समस्याओं को सुलझाएं। आज अपने संबंधों को बनाने और पुराने संबंधों को और भी मजबूत करने के लिए एक यात्रा का प्रोग्राम बना सकती हैं। अपने पार्टनर के साथ अधिक अंतरंग महसूस करेंगे और यह सुखद रोमांटिक पल आपको रोमांचित कर देंगे। ध्यान रखें घनिष्ठ संबंधों में बुनियाद मजबूत और संवाद की भाषा सरल स्पष्ट और समझ में आने वाली रखें, तभी आप एक अच्छा रिलेशनशिप निभा पाएंगे। बात करते हैं करियर की। पानी या पाइपलाइन से संबंधित असाइनमेंट से आप परेशान हो चुके हैं और आज किसी नए काम के बारे में सोच सकते हैं। शिक्षा में आए व्यवधान को भूलकर अभी प्राथमिक शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे। जुआ शेयर या सट्टेबाजी आपके लिए विनाश का कारण बन सकती हैं। इनसे दूर रहें।
नए व्यापार शुरू करने या उसके विकास के लिए भी यह समय अनुकूल है। समय के साथ आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी तरक्की आपके कौशल, कड़ी मेहनत और विवेक पर निर्भर करती है। जो काम आप रोजाना करती हैं, जो निर्णय आप रोज लेती हैं, वही आपकी प्रतिष्ठा है। इसलिए समझदारी से निर्णय लें और जोखिमों का ध्यान रखें। बात करते हैं सेहत की। सिर दर्द और थकान की स्थिति रहेगी। समय समय पर आराम भी लेते रहें। कंधे और गर्दन में जकड़न भी हो सकती है, ध्यान रखें। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।